नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 200 वाट 250 वोल्ट के लैंप का तप्त प्रतिरोध के मान की गणना हम करेंगे या कीजिए। तो जब हमारा जो लैंप है उसका वोल्टेज है 200 वाट और उसका जो वोल्टेज उसको दिया जा रहा है वो 250 वोल्ट है, तो कार्यरत लैंप है उस लैंप का हमें तप्त प्रतिरोध यानी जिस टाइम वो गर्म है उस टाइम का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें दिया गया है P इक्वल टू 200 वाट, उसके बाद V इक्वल टू दिया गया है आपका 250 वाट। मैं आपको एक वीडियो बनाया था मैंने ऑल फार्मूला के साथ, तो उसमें एक फार्मूला था, हमें यहाँ पूछा गया है R इक्वल टू पूछा गया है। प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। R हमसे पूछा गया है, R का मात्रक होता है ओम और यहाँ पर वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, यहाँ पर वाटेज का मात्र पावर का मात्रक होता है वाट। वाट वोल्ट दिया गया है हमें, पावर रेजिस्टेंस ज्ञात करनी है ओम में। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे। एक फार्मूला होता है दोस्तों, आर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान पी या बटे में पी। तो इस फार्मूले से हम चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे होगा, ऐसे कि हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर में की जगह 250 मल्टीप्लाई बाय 250 बटे में वी का मान हमने रख दिया, वी स्क्वायर का मान, और पी का मान 200 है। तो यहीं पे क्या करते हैं, हम इसको ऐसे भाग दे देते हैं, दो जीरो से दो जीरो हमने काट दिया। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, जब इसको बटे में दो करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 312.5, क्योंकि आधे याद करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से ये क्या आ गया, ओम आ गया, तो प्रतिरोध हमारा निकल गया। आपको वीडियो समझ में आई तो कमेंट करके मुझे बताइए कि कितना अच्छा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों, ऐसे ही शॉर्टकट में वीडियो जल्दी सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आपके अच्छे क्वेश्चन भी आपको करा दूँगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जो अच्छा सा कोई वीडियो हो, मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अमेजिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं और ऑल का बटन चुनें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।